मेरे पे मीम्स बनाए गए, कार्टून्स बनाए गए। कोई मीम आपको याद है ऐसा जो तो दिमाग में बिल्कुल चिपक रहा चिपका रहा हो? बट सर फिर ऐसा क्यों होता है सम सिविल सर्वेंट्स गेट करप्ट, मिलिटेंट आते हैं आपके एरिया? दो तीन बार पूछा, तीसरी बार मैंने खुद बोला हाँ मैं चाय भी पीता हूँ उनके साथ ऊपर बैठ के। इंसानों की जी दोस्तों, तो नेम प्लेट तो आपने पढ़ ही ली है। आज रोहित कंसल साहब के पास हम आए इंटरव्यू लेने के लिए। ये वही शख्सियत है जिनके एक ट्वीट से पूरे J&K में बात वायरल हो गई कि 4G इंटरनेट इज़ बीइंग रिस्टोर्ड। तो आज सर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। आज सर की लाइफ को डिस्कवर करेंगे, उनकी ब्यूरोक्रेसी में जर्नी कैसे रही उसको डिस्कवर करेंगे, J&K की बातें करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं अंदर और देखते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 9। बाहर हमने जैसे बात की अभी, तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है फ्रॉम होम यू कैन लर्न, बट इसके साथ साथ ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट IAS ऑफिसर्स ऑफ अवर J&K UT। ये वो शख्सियत है जिनके एक ट्वीट से जिस पे लिखा था 4G इंटरनेट बीइंग रिस्टोर्ड, जो पूरे J&K में वायरल हो गया था और सबके दिलों में खुशियों की एक लहर चली थी। तो जी हाँ, टुडे विद अस वी आर हैविंग वन ऑफ द मोस्ट सीनियर IAS ऑफिसर्स ऑफ अवर J&K UT, IAS रोहित कंसल सर। रोहित सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। रोहित सर, ऐसे तो बिगनिंग के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, हम बहुत सारी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम मेरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो कोशिश रहेगी थोड़ा अनस्क्रिप्टेड काइंड ऑफ इसको रखे, ज़्यादा हम चीज़ों को स्क्रिप्टेड ना रखें, कोशिश वो रहेगी हमारी। इवन द थिंग्स दैट आई हैव रिटन ऑन माई टैब, इट इज़ जस्ट टू रिमाइंड मी कि किस एम्बिट में मैंने बात करनी है। तो यही होगा। अब मैंने ट्वीट से स्टार्ट किया तो मैं ट्वीट से ही स्टार्ट करना चाहूँगा सर। वो ट्वीट जब आपने किया था समवेयर अराउंड आई थिंक इन फेब्रवरी था, फेब्रवरी के फर्स्ट वीक में, 4G इंटरनेट बीइंग रिस्टोर्ड इन J&K, तो सर उस दिन की मैं स्टोरी जानना चाहूँगा। फाइनली आफ्टर 1.5 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट आपने J&K में इंटरनेट वापस स्टार्ट करने के ऑर्डर्स आ चुके थे। तो सर व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट ट्वीट, कैसा वो सब डिसाइड हुआ सर? देखिए, अब ये ऊपर वाले का फजल है कि मैं एक ऐसी जॉब में हूँ जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और जिस वाक्य की आप बात कर रहे हैं, उस वक़्त और आज भी मैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्पोक्समैन था और ऑफिशियल स्पोक्समैन हूँ, और उस हैसियत से मुझे मौका मिलता है कि सरकार की बात पब्लिक तक पहुँचाऊँ और बहुत सी पब्लिक की बातें सुनूं। तो जाहिर है इन दैट कैपेसिटी मैंने वो ट्वीट किया और लोगों को बताया, लेकिन मैंने देखा कि मुझे बहुत से रिएक्शंस उसके हुए, और उससे पहले मुझे बहुत सी डिमांड्स आती थी, बहुत सी रिक्वेस्ट्स आती थी, मेरे पे मीम्स बनाए गए, कार्टून्स बनाए गए, तो बहुत सी बातें हुई और बहुत से ऐसे मीम्स थे जिनको मैंने खूब इंजॉय भी किया, मैंने देखा भी। लेकिन फाइनली जब मैंने वो ट्वीट किया तो और पब्लिक ने उसको बहुत पसंद किया और यू नो आई ऑल्सो फेल्ट वेरी हैप्पी। यस सर, तो कोई मीम आपको याद है ऐसा जो तो दिमाग में बिल्कुल चिपक रहा चिपका रहा हो एकदम? नहीं, अ लार्ज नंबर ऑफ मीम्स। देयर वाज अ मीम समबडी मेड कंपेयरिंग मी टू द वेदर मैन, बड़ा वायरल भी हुआ था। यस सर, बहुत सारे लोगों ने उसको रीट्वीट किया, तो बड़ा अच्छा लगा। और एक बार ट्विटर के जरिए मैंने यू नो बहुत से यंगस्टर्स से फिल्मी जो है रिपार्टी किया, यू नो लोगों ने मेरे से शायराना अंदाज में कुछ कहा, फिर मैंने शायराना अंदाज में जवाब दिया, सो दैट आल्सो वाज यू नो समथिंग व्हिच समथिंग यूनिक, क्वाइट अ हिट एंड वाज यूनिक एट दैट टाइम। यस सर,
हाँ सर, ट्वीट का तो मेरे को बहुत मज़ा आया सुन के जो आप खुद एक्सपीरियंस से शेयर करें, एंड इट इज़ रियली गुड कि आप अपने somebody is making meme on you and you are enjoying it. That is something unique, sir. Personally, मैंने first time सुना है. सर, कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ सर, जर्नी के बारे में मैं आपकी सुनना चाहूँगा. जितना मैंने आपके बारे में देखा, यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी, देन IIM, देन लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी यू हैव डन समथिंग. सो व्हाट वाज योर जर्नी जब आप इतना सब कुछ कर रहे थे? यू हैव ऑल्सो बीन टू अब्रॉड, देन व्हाट वाज द इंक्लाइनमेंट टूवर्ड्स गेटिंग इन टू सिविल सर्विस, गेटिंग इन टू IAS, हाउ इट स्टार्टेड सर? देखें, अब मैं ये कहूँगा कि कुछ इत्तफाक है, कुछ किस्मत है और कुछ अपनी मेहनत है. देखें, जैसे आपने ठीक फरमाया, यू नो, आई डिड माय इंजीनियरिंग, आई वेंट इन फॉर माय इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग किया. उसके बाद हमारे ज़माने में बड़ा क्रेज़ होता था कि भाई आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे और यू नो यू विल वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. सो इमीडिएटली आफ्टर आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग, माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई वाज लकी, आई गॉट सेलेक्टेड टू IIM कोलकाता. तो मैंने 91 में इंजीनियरिंग कम्प्लीट किया और 91 में ही आई गॉट सेलेक्टेड इन IIM, और दो साल का मैंने वहाँ से डिग्री कंप्लीट किया अपना. और उसके फौरन बाद यू नो आई आल्सो गॉट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल, आई वाज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल. सो बट कहें, कुछ ऐसा कहें कि कुछ यूँ इत्तेफाक हुआ कि लगा कि भाई सिविल सर्विस करनी चाहिए. हालांकि अगर आपको याद होगा तो 91 वो पीरियड था जब जिसको हम कहते हैं ड्रीम रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे थे हिंदुस्तान में. इकोनॉमी ओपन हो रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपैंड हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ भी मुझे करना चाहिए. एंड आई वॉज़ वेरी लकी, आई गॉट सेलेक्टेड इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, एंड तब से फिर मैं यहाँ हूँ. एंड बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे इस डिसीजन पे, मुझे इस जर्नी पे किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं है. और दिस ईयर इन सेप्टेम्बर वी कम्प्लीटेड आवर बैच, कम्प्लीटेड 26 ईयर्स ऑफ सर्विस. और इस सर्विस ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, जो इज्जत दिए हैं, जो मौके दिए हैं, आई थिंक दे आर अनपैरेलल्ड. द सिविल सर्विस स्टिल कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज, नॉट ओनली इन द कंट्री बट ऑल ओवर. And the breadth of scope it offers, the opportunities it offers, the opportunity it offers for you to develop yourself individually, professionally, that is unparalleled. That is very true, sir. But sir, what was the reason for inclinement towards civil service? Like you yourself said ki aapka corporate mein ho gaya tha and you were proceeding in it. Then what was the reason to get into government sector? बड़ी मज़ेदार बात है. आई मीन यू नो, कई बार क्या होता है, एक छोटी सी बात आपका डिसीजन चेंज कर देती है. शायद मैं 92 की बात कर रहा हूँ. आई वॉज पोस्टेड इन मुंबई एंड आई वॉज फीलिंग होम सिक, तो मुझे घर की बड़ी याद आ रही थी. यू बिलोंग टू आई बिलोंग टू पंजाब एंड आई वॉज पोस्टेड इन मुंबई विच इज़ वेरी फार. सो यू नो, मैं उस टाइम मेरी जितनी सैलरी थी मैंने उतनी ही सैलरी की एयर टिकट खरीदी, दो टिकट्स खरीदी. एक टिकट खरीदी दिल्ली टू मुंबई और दूसरी टिकट शायद खरीदी मैंने, अब मुझे याद नहीं कहाँ से कहाँ, या मे बी चेन्नई टू मुंबई और मुंबई टू दिल्ली, कुछ ऐसा मैंने टिकट खरीदी. तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जितना कमा रहा हूँ उतना मैं घर जाने के लिए खर्च कर रहा हूँ, ये भी क्या नौकरी हुई. यू नो, आई डिसाइडेड टू, आई रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. एंड ये मेरा ख्याल 92 की बात है, नहीं ये 93 या 94 की बात है. तो आई रिजाइन माय जॉब, फिर उसी साल तैयारी की, फिर उस साल मैंने इम्तहान दिया और पास हो गया. तो कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली थी आपने? आई इनफैक्ट मैंने जो है तैयारी अपने घर में ही बैठ के की. एंड वेरी सरप्राइजिंगली, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया. हालांकि जब मैं रिजाइन कर रहा था, द कंपनी दैट आई वाज वर्किंग इन, दे वर ऑफरिंग मी टू सेंड मी अब्रॉड एट देयर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स. लेकिन अब कुछ ऐसा दिमाग में आया, मैंने रिजाइन किया एंड तैयारी की. एंड नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली. जब मैं मेंस में सेलेक्ट हो गया तब मैंने इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी कोचिंग ली थी. बट स्टिल भी रिटर्न के लिए आपने कोई? रिटर्न के लिए मैंने नहीं, कोचिंग नहीं ली. अमेजिंग सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग. सर, नाउ कमिंग बैक टू योर प्रोफेशन, दैट व्हाट यू आर डूइंग करंटली, की स्पोक्स पर्सन आप जे एंड के गवर्नमेंट के हैं. दिस इज समथिंग विच आई हैव फेल्ट एंड आई थिंक बहुत लोग भी इसको ऑब्जर्व करते होंगे, दैट इज़ की
समटाइम्स यू वॉन्ट टू से समथिंग एल्स, समटाइम्स देर इज समथिंग डिफरेंट इन योर हार्ट वट यू वॉन्ट टू कन्वे टू द मासेस, बट जस्ट बिकॉज यू आर इन अ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, यू आर द ईयर्स एंड आईज ऑफ द गवर्नमेंट, यू कांट से, आप बोल नहीं सकते हैं. कई बार आपको लगता है सामने वाला सही है, जैसे आप इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसीज, न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर्स, तो सर आपको कभी ऐसा लगा है कि दिल में कुछ और है लेकिन जस्ट बिकॉज आई एम इन अ ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट आई हैव टू से समथिंग एल्स? देखिए मैं इसको थोड़ा सा आई विल पुट दिस इन पर्सपेक्टिव. आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, व्हाई टॉक ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब, आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो यू आर बाउंड बाय सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन रूल्स, सर्टेन रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. आपकी प्राइवेट पर्सनैलिटी और आपकी ऑफिशियल पर्सनैलिटी आर ऑब्वियसली टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज. और आप अपनी प्राइवेट पर्सनैलिटी में एक प्राइवेट इंडिविजुअल हैं जिसके अपने ख्यालात हैं, जिसके अपने व्यूज हैं, और आप अपनी ऑफिशियल पर्सनैलिटी में आप एक ऑफिशियल पर्सनैलिटी हैं हु इज डूइंग, हु इज परफॉर्मिंग अ ड्यूटी, हु इज यू नो बाउंड बाय सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस. जब आप प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, किसी एबीसीडी कंपनी में होते हैं, तो आप उस कंपनी के रूल्स एंड गाइडलाइंस से बाउंड होते हैं. जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड गाइडलाइंस से बाउंड होते हैं. बट मुझे इसमें किसी प्रकार की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती है. मुझे ये लगता है कि जिंदगी में भी, अगर हम जिंदगी में देखें, तो बहुत से हम ये रोल्स प्ले करते हैं, बहुत से हम जिम्मेवारियां अदा करते हैं. वी हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, यू नो, एज एन इंडिविजुअल. एंड अगेन व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, वी आर डूइंग अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, टुडे आई एम हैंडलिंग द पावर डिपार्टमेंट एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द पावर डिपार्टमेंट. इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट पीपल गेट पावर, बट इट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट पीपल पे फॉर द पावर दे कंज्यूम. You know, as a consumer, you know, I would like that मैं कम से कम मुझे पैसा देना पड़े. But as in charge of the department, मेरी ये जिम्मेवारी है कि reasonable amount जो है, जो सही amount है, वो public से लिया जाए in so far as charges of power are concerned. और इसमें कोई contradiction नहीं है. तो इसी प्रकार जो भी responsibility हमें करनी है, किसी को भी करनी है, I don't think there is any contradiction between the responsibility which you have as an individual and or the role that you play as an individual and the responsibility which you have as an officer, as a public servant or even as a private worker. बट डोंट यू फील सर, कई बार सामने वाला इंसान जो आपके साथ किसी चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहा है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी, शायद वो सही है? देखिए ऐसा है कि बहुत सी चीज़ों में कोई सही या गलत नहीं होता. देर आर पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड यू नो देर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान की, आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं. और अगर किसी शख्स को, किसी इंडिविजुअल को गवर्नमेंट की कोई बात पसंद ना आए, तो बहुत सारे लोग अखबार में आर्टिकल लिखते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को. बहुत सारे लोग टेलीविज़न में डिबेट करते हैं, तो जब टेलीविज़न में 6 लोग डिबेट कर रहे होते हैं, तो ऑल दो 6 पीपल डोंट से द सेम थिंग. यू नो देर आर पीपल हु स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, देर आर पीपल हु स्पीक अगेंस्ट समथिंग. सो आई थिंक दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट पर्सनल पीस आपके कभी डिस्टर्ब नहीं होते सर इन चीजों से? नो, आई डोंट थिंक सो. आई सर्टेनली डोंट थिंक सो. एंड एज आई सेड, यू नो, एज आई सेड, देयर इज सर्टेनली नो कॉन्ट्रडिक्शन इन दैट रोल. सब थोड़ा सा सिविल सर्विस वाले माहौल के ऊपर आना चाहूंगा. सर सिविल सर्विस में देयर इज अ प्रोसीजर व्हिच यूपीएससी हैज डिजाइंड, दैट इज यू हैव टू गिव प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू, देन द ट्रेनिंग पार्ट. और सब लोगों का ये मानना है कि यूपीएससी सेलेक्ट्स द बेस्ट, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू. वी हैव सो मेनी ग्रेट आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स और एनी अदर सिविल सर्वेंट. बट सर फिर ऐसा क्यों होता है, सम सिविल सर्वेंट्स गेट करप्ट, दे स्टार्ट टेकिंग ब्राइब्स, सम आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट जॉब एंड गोइंग आउट ऑफ द वे टू डू थिंग्स फॉर द पीपल ऑफ देयर सोसाइटी. मतलब इट डजेंट मैटर उनकी पोस्ट कैसी है, लेकिन वो फिर भी एक अपना वो बिट देना चाहते हैं. बट सर व्हाई सम गेट करप्टेड? देखिए आफ्ताब, आई थिंक आई एग्री विद यू, इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट यू नो समटाइम्स द बेस्ट पीपल हु आर सिलेक्टेड टू सर्व सोसाइटी,
the best people who are selected to contribute to public welfare वही corrupt हो जाते हैं और जैसे हम अक्सर कहते हैं कि अगर बाड़ी खेत को खाने लगे तो उस खेत का क्या होगा. So that is an extremely unfortunate part. तो इसमें मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा. एक तो ये important है कि किसी भी चीज़ में डिस्क्रिशन का एलिमेंट मिनिमम होना चाहिए. अगर अगर किसी शख्स के पास डिस्क्रिशन है कि वो अपनी मर्जी से कुछ करे तो उसमें फिर जो है रेंट सीकिंग की करप्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं. अगर सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहता है, रूल बाउंड रहता है, तो उसमें फिर जो है इंडिविजुअल डिस्क्रिशन भी घटती है और रेंट सीकिंग भी घटती है. पहला तो मेरा पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये भी सच्चाई है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इज फार हायर देन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनी अदर प्रोफेशन. ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे करप्शन नहीं है या सोसाइटी में करप्शन नहीं है, लेकिन सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी, सिविल सर्वेंट्स का पब्लिक गेज में दे आर फार मोर देन एनी अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड राइटली सो. आई मीन दे आर सपोज टू बी टॉर्च बेरर्स, दे आर सपोज टू डू द बेस्ट. बट मैं केवल इतना ही कहूँगा कि एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, एज फार एज अब्यूज ऑफ पोजिशन इज कंसर्न, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती, इसके लिए कोई कारण नहीं हो सकता, एंड इट इज टोटली डेस्पिकेबल. देर शुड बी जीरो टॉलरेंस टू दिस. एंड सर, कुछ हमारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स भी हैं जो इस IPS या IAS कोई भी है, रिस्पेक्टेड एनी सर्विस, दे आर शोइंग ऑफ देयर रैंक्स. आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑफिसर, ही बिलोंग्स टू सम स्टेट, वहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं एंड ही इज़ पुटिंग अप हिज ओन वीडियोज एंड ग्लैमराइजिंग वट ही इज़ डूइंग, टॉकिंग ऑन आईफोन एंड देन गोइंग टू विजिटिंग, छापा मार रहे हैं जगह जगह एंड कैचिंग होल्ड द कल्प्रिट्स. दैट इज़ राइट, दैट इज़ कम्प्लीटली राइट, बट वो अपना चैनल बना के ये सब शो कर रहे हैं. एंड इवन सम IPS ऑफिसर्स आर शोइंग ऑफ देयर रैंक, शोइंग ऑफ द थिंग्स दे आर डूइंग, शोइंग ऑफ लिटिल थिंग्स दे हैव, देयर कार, देयर होम एंड स्टफ लाइक दैट. सो वट योर टेक ऑन दिस? देखें, मैं ये कहूँगा कि यूं तो एनोनिमिटी, सिविल सर्वेंट्स आर एनोनिमस, सबसे बड़ा जो उनके लिए कहा जाता है कि दे आर सपोज टू बी एनोनिमस, उनको पर्दे के पीछे काम करना होता है. लेकिन एनोनिमिटी का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट की जॉब ऐसी है कि उसको कम्युनिकेट भी करना है, उसको पब्लिक को बताना भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ या गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं. उस तो कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी के बीच में एक थिन लाइन होती है. अपनी बात पहुँचाना और जैसा आपने कहा शो ऑफ करना, इन दोनों के बीच में there is a rather thin line. And I don't think कि इसको किसी रूल में बंद करके किसी को मैंडेट किया जा सकता है. आई थिंक ये अपनी डिस्क्रिशन है, ये अपनी ग्रेस है. एंड बट आई पर्सनली फिलीव दैट सिविल सर्वेंट्स जो है दे आर मैंडेटेड टू बी एनोनिमस, लेकिन दे हैव टू ड्रॉ द लाइन where communication ends and propaganda begins, where communication ends and, as you said, show off begins. So that thin line has to be drawn and respected. Yes sir. Sir, coming to J&K, ab thoda J&K ke topic ko main touch karna chahunga. The past few 1 years, like in J&K kuch cheeze hui hai, the special status has finally been abrogated. Wo special status to abrogate ho gaya, lekin jo actual mein special status hai wo abrogate nahi hua hai. You go somewhere out of the UT, let's say you go to Delhi, like I belong to Delhi, if you are taking the example, मैं किसी को बोलूँ मैं जम्मू से हूँ, वो बंदा थोड़ा दो कदम पीछे आ जाएगा, he will be a little afraid. सिंपल चीज़ है, मैं ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हूँ, गाड़ी का नंबर JK लगा है, बंदे दो तीन बार देखेंगे, अच्छा डर लगेगा उनको. एक ने तो मुझे एक बार सामने से पूछ लिया, मिलिटेंट आते हैं आपके एरिया, दो तीन बार पूछा, तीसरी बार मैंने खुद बोला हाँ मैं चाय भी पीता हूँ उनके साथ ऊपर बैठ के, मिलिटेंट्स आते हैं. These are the kind of things that sir we hear. तो सर ये actual का जो special status है ये abrogate कब होगा? देखिए अब ये unfortunate है और कुछ हद तक ये media में narrative भी बन गया, जो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि militants आते हैं ये सब है. लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि there is lot of optimism and hope. अब मैं आपको दूसरी बात बताऊँगा.
इस समर में, इस समर में आई थिंक मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जे एंड के में इस कदर टूरिस्ट आए कि कोई कमरा नहीं मिल रहा था। दैट्स बड़े छोटे सस्ते महंगे सारे होटल्स बुक थे। आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारे टूरिस्ट थे। यू नो गुरेज में एक फेस्टिवल हुआ, भद्रवाह में एक फेस्टिवल हुआ, हाँ, और कितनी जगह पे ट्यूलिप्स का एक फेस्टिवल हुआ। एंड देर आर सो मेनी पीपल हु नाउ वॉन्ट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स। कोई लीडरशिप समिट करना चाहता है, कोई लिटरेरी फेस्टिवल करना चाहता है, कोई कल परसों मैं देख रहा था कोई किश्तवाड़ में फिल्म की शूटिंग करना चाह रहा है। सो यू नो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। सो ऐसी बात नहीं है, हर एक चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, लोगों की इसके बारे में राय बदल रही है। एंड द वेरी फैक्ट कि टूरिस्ट आ रहे हैं, फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं जगह जगह से, ये इस चीज़ का सबूत है कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ना सिर्फ लोगों की राय बदल रही है लेकिन वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे फिल्म शूटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे काम करना चाहते हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे। आई मीन अब चूंकि मैं पावर सेक्टर को डील कर रहा हूँ तो पावर की बात कहने से नहीं रह सकता। हमारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल 20,000 मेगावाट है। 20,000 मेगावाट से पिछले 70 सालों में केवल 3,500 मेगावाट ही हम हार्नेस करने जा पाए कर पाए थे, लेकिन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स वी आर गोइंग टू हार्नेस अनदर 3,500 मेगावाट्स। तो जितना पावर पोटेंशियल हमने पिछले 70 साल में हार्वेस्ट किया उतना पावर पोटेंशियल हम अगले 5 साल में हार्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऐसी बात नहीं है, जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मुझे लगता है कि अगर आप अगले साल फिर मेरे से बात करोगे तो शायद आप इस सवाल को ये पूछोगे कि भाई मतलब होटल के रेट डबल हो गए। आई होप सो दैट कम्स आउट टू बी ट्रू और हमें देखने को मिले। एंड इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू सर कि लोग क्या बात कर रहे हैं, इवन आप बेसिक एनालिसिस देखिए ना सर, लाइक अगर कोई नॉर्थ इंडिया का भी मैप दिखा रहे हैं ना उसमें जम्मू कश्मीर की चीज़ें कोई हाईलाइट नहीं करना चाहता। लाइक इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी टॉप न्यूज़ पेपर्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और योर टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे हर स्टेट का कोई ना कोई एनालिसिस आ रहा है, इस स्टेट में ये अच्छा हुआ, इसमें ये हुआ। वेन एवर द न्यूज इज कमिंग आउट ऑफ जे एंड के, इट इज रिलेटेड टेररिज्म, इट इज रिलेटेड टू मिलिटेंसी। तो ये चीज़ें तो हैं। ये आफ्ताब आप ठीक कह रहे हो, ये अनफॉर्चुनेट है कि पिछले कुछ समय से टेररिज्म ने, मिलिटेंसी ने डोमिनेट किया है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, जैसे मैंने आपको हाइड्रो पावर का एक एग्जांपल दिया, मैंने गुरेज फेस्टिवल का एग्जांपल दिया, अब हमने नई फिल्म पॉलिसी लाई है जिससे बहुत सारे फिल्म मेकर्स आके फिल्म खींचना चाह रहे हैं। सो आई डोंट थिंक वी शुड बी पेसिमिस्टिक, लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग। एंड नॉट ओनली दैट, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अवर यंगस्टर्स आर गिविंग अस सो मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज। मैं पढ़ रहा था रजौरी की कोई लड़की पायलट बनी है, यू नो आई मीन द फर्स्ट पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इसी तरह कोई MIT में पढ़ने जा रहा है। सो देर आर सो मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज, बट इट इज़ फॉर अस एंड पर्टिकुलरली फॉर पीपल लाइक यू। मैं आपको सर्टनली कहना चाह रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर यू नो रनिंग योर ओन यूट्यूब चैनल, डूइंग योर पॉडकास्ट। मे बी वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट अ सीरीज ऑन अचीवर्स फ्रॉम जे एंड के एंड नॉट जस्ट एकेडमिक अचीवर्स। आई मीन जैसे यहाँ की एक बच्ची ने ओलंपिक्स में टेनिस में ओलंपिक्स खेला, तो कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। वी हैव चैम्पियंस इन स्पोर्ट्स, वी हैव आई मीन पिछले साल DPS के दो बच्चों ने नेशनल क्विज जीता और मैंने वो खुद एपिसोड देखा। जैसे मैंने कहा कोई पायलट बना, यू नो जम्मू एंड कश्मीर से कोई आर्मी में जनरल्स हैं। सो देर आर सो मैनी इंस्पायरिंग स्टोरीज अबाउट पीपल यंग एंड ओल्ड हु आर डूइंग सच रिमार्केबल फीट्स। एंड आई थिंक if young people like you popularize what they are doing, they will serve as inspiration to other people also. That's a very nice idea actually. I will think over it sir, definitely. So coming back to civil service, ab us civil service ke ambit ko main ek touch karna chahunga. I think a last point is civil service ke related. So civil servants, no doubt they are doing absolutely great job, fantastic in their fields. Like you are principal secretary, power department, you are doing so many things, paying visits, looking after so many achievements, looking after things. But still, कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ें जैसी चल रही है उनको वैसे चलने देते हैं. They don't want to take any action. Like for example, if in a particular district, a particular wrong practice is being followed
फ्रॉम मेनी ईयर्स एंड नो ऑफिसर टुक एनी एक्शन, इवन लोकल SHO डिडंट टुक एनी एक्शन. तो जो भी नया आएगा वो कहेगा चल रहा है तो चलने दो, मुझे क्या है. दे डोंट वॉन्ट टू टेक एक्शन. स्टिल मैं वही बात उठाऊंगा जैसे कुछ ऑफिसर्स है, जैसे शाहिद चौधरी सर जैसे लोग हैं जो हमारे यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं यूथ के लिए स्पेशली. बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड कि बस निकल जाए टाइम तो बस. सो सर वाई ऑफिसर्स डोंट टेक एक्शन? देखो मैंने शुरू में ही कहा स्टेटस को जो होता है ना, जो आप कह रहे हैं स्टेटस को कि ठीक है चलने दो सानू की, वो सानू की थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. आई होप आप लोगों को जिंदगी में एक सीख मिली हो, आई होप आप लोग जिंदगी में कुछ सीख रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट मोर वीडियोज एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच अ ब्रीफ लाइफ ऑफ अ पॉलिटिशियन देन मेक श्योर यू चेक आउट दिस वीडियो हियर. और अगर आप एक IPS ऑफिसर की एक बहुत ही जबरदस्त जिंदगी देखना चाहते हैं देन मेक श्योर यू चेक आउट दिस वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब मी, इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल देन क्लिक हियर दिस आइकन, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.